Welcome back to Presential Coaching Center. In my last class, I have discussed fundamental quantities, derived quantities, and at last I have discussed about the parallax method. Today we will start, or I can say that today we will learn one of the most important topic that in your class 11, that is very important for your exam purpose, and the topic is error. So before starting the topic, here I have written some of the calculated value. यहाँ पे मैंने क्या किया ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैल्यू लिखा है एंड यू शुड रिमेंबर ऑल द वैल्यूज. कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, वैल्यूज आपको पूछा जाता है कि इसका वैल्यू बताओ, या आपको ऐसे डेफिनेशन भी बताएंगे, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा. आपको बस वो चीजें दिमाग में रखना है. फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 angstrom, द वैल्यू ऑफ 1 angstrom इज 10^-10 meter. यहाँ पे जो चीज आपको अच्छी तरह से देखना है वो मीटर है. अगर वो मीटर में हो गया ना तो 10^-10 meter, बट अगर सेंटीमीटर में है तो 10^-8 centimeter. तो अच्छी तरह से देखो मीटर है कि सेंटीमीटर है. और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, इन कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और ऊपर आप ऐसे डिग्री जैसे लिखते हो ना, आप लोग ऐसे डिग्री लिखोगे. सो द वैल्यू ऑफ 1 angstrom इज 10^-10 meter. सेकेंड वन इज योर 1 astronomical unit, शॉर्ट फॉर्म में क्या बताओगे, 1 AU. AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. इसका जो वैल्यू है क्या होता है, 1.496 × 10^11 meter. तो वैल्यू दोबारा रिपीट करो, वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ 1 astronomical unit इज 1.496 × 10^11 meter. तो ये मीटर होगा. अब अगर एग्जाम में आता है ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AU, देन योर आंसर वुड बी दिस वन. बट अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन 1 AU, तो आप कैसे लिखोगे, आपके एग्जाम में आता है 1 mark का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 AU, तो देखो आंसर ये होगा कि इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ. हमारा अर्थ जो है ना, अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज 1 astronomical unit. इन माई लास्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी यूज दैट पर्टिकुलर वैल्यू पैराडॉक्स में. तो आप लोग अगर वो वाला वीडियो देखोगे तो वीडियो में मैंने यूज किया था कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस जो मैंने लिखा था वो 1 AU है, तो देयर इज द डिस्टेंस. तो ये हो गया. थर्ड वन इज योर 1 light year. 1 light year का वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ 1 light year इज 9.46 × 10^15 meter. देखो सभी वैल्यू जो है ना मीटर में दिया हुआ है, जो भी वैल्यू मैं बताऊंगा ना वो मीटर में है. तो द वैल्यू ऑफ 1 light year इज 9.46 × 10^15 meter. दोबारा मैं बताऊंगा, अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 light year, देन योर आंसर विल बी दिस वन, 9.46 × 10^15 meter. अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन 1 light year, तो क्या होगा, तो देखो 1 light year क्या होता है, मैं थोड़ा उसका कैलकुलेशन आपको बता दूंगा. देखो वन, अगर एग्जाम में ऐसे आता है कि डिफाइन 1 light year या फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 light year, तो आंसर कैसे होगा. देखो ये चीज हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10^8 meter per second. 3 × 10^8 meter per second. इट मीन्स इन 1 second लाइट ट्रेवल्स दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करता है, 1 second में लाइट कितना ट्रेवल करता है, 3 × 10^8 meter. अब 1 light year मीन्स अगर 1 second में ना इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है लाइट, तो 1 साल में कितना होगा, अगर 1 second में इतना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस इन 1 year. तो 1 year में आप कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, बस ये जो वैल्यू है ना 3 × 10^8, इसको आप 1 year में देखो कितना होगा, 1 second में था ना, मल्टीप्लाई 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका मिनट में आ गया, देन अगेन मल्टीप्लाई करो तो आवर में आ गया, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये दिन में चला गया, और 1 year में मीन्स 365 days. तो देखो वैल्यू कितना है, ये जो वैल्यू है ना 3 × 10^8, आप इसको मल्टीप्लाई करो 60 से, देन अगेन 60, देन 24, देन 365. तो अगर पूरा कैलकुलेशन करोगे ना, तो कैलकुलेटर फाइनल जो रिजल्ट आएगा ये वाला वैल्यू आएगा, 9.46 × 10^15 meter. आप उसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी लिख सकते हो कि 10^16 meter. कैसे आ गया ये, 9.46 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, तो ये वाला यहाँ पे 10 है और ये 15, तो ये 10^16 meter हो गया, ठीक है ना. और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लाइट ईयर. अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई बताओ लाइट ईयर का एसआई यूनिट क्या होगा, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं. देखो उनका कंफ्यूजन ये है कि लाइट ईयर बता दिया ना, तो ईयर देखने से उनको लगता है कि इट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का होगा, बट ये टाइम का एसआई यूनिट नहीं है. ये वाला जो डेफिनेशन है ना, ये डिस्टेंस होता है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन डिस्टेंस.
ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लाइट हियर, देन योर आंसर विल बी मीटर एसआई यूनिट में, और ये वाला वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज योर 1 पर सेक, 1 पर सेक का वैल्यू क्या होता है, 3.08 × 10^16 मीटर, ये उससे ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे 10^15 है तो ये हो गया थ्री टाइम्स है ना, तो 1 पर सेक का वैल्यू होता है 3.08 × 10^16 मीटर। अगेन अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पर सेक, तो आप ये लिखोगे। अगर एग्जाम में आ गया डिफाइन 1 पर सेक तो कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द डिस्टेंस एट व्हिच एवरेज रेडियस ऑफ आर्क्स ऑर्बिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड। ये डेफिनेशन थोड़ा टफ हो गया ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, एंड बाई यूजिंग दैट डायग्राम आपको आसानी से समझ में आ गया कि 1 पर सेक क्या होता है। तो डायग्राम देखो, ये वाला तो मैंने बता दिया, आप पॉज करो वीडियो और भी जस्ट पॉज द वीडियो और आप जितने भी वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो आप अपने कॉपी में लिखो। नेक्स्ट क्या मैंने बताया, 1 पर सेक को डिफाइन करना है। 1 पर सेक क्या होता है, देखो से यहाँ पे एक स्टार है, एक स्टार हो गया और ये हमारा आर्क है, ये आर्क है और ये वाला हो गया आपका वो स्टार, कोई भी एक स्टार है, नियर बाई स्टार है, और हमें पता है आर्क इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चारों तरफ ना आर्क ऐसे मूव कर रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 1 AU, सन और आर्क के बीच में 1 AU है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगाया, और अगर यहाँ पे मैंने एक टेलीस्कोप रखा, उस टेलीस्कोप से ना मैं इस स्टार को देख रहा हूँ, तो ये एक लाइन खींच दिया ऐसे, और यहाँ पे भी एक लाइन खींचता हूँ, तो ये क्या कैसे हो गया, एक एंगल बना, एंगल बना ना यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल है ना वो 1 सेकंड है। अच्छा और एक चीज देखो, 1 सेकंड को मैंने कैसे लिखा, तो सेकंड को कैसे डिफाइन करोगे, देखो आपको पता है ये एक सर्कल है तो टोटल कितने डिग्री होंगे, 360 डिग्री, एक बार अगर टोटल आपने रोटेट किया तो 360 डिग्री होता है, तो अगर इस 360 डिग्री को इफ यू डिवाइड दिस 360 डिग्री बाय 360, आपने क्या किया 360 दिया है ना टोटल, आप उस 360 डिग्री को 360 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा 1 डिग्री। इट मींस ये जो डिस्टेंस है ना आफ्टर डिवाइडिंग द 360 बाय 360, तो ये जो है ना वो होगा आपका ये वाला एंगल 1 डिग्री होगा। तो देख लो जैसे बात ही 1 डिग्री कितना छोटा होता है। अब 1 सेकंड क्या होता है, ये जो छोटा पोर्शन है ना 1 डिग्री, आप अगेन डिवाइड दिस 1 डिग्री बाय 60, आप 1 डिग्री को ना 1 डिग्री को 60 से डिवाइड करो, इसका मतलब ये है ये जो छोटा पोर्शन है ना इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 60 पार्ट्स में डिवाइड किया अब जो रिजल्ट आएगा ना वो 1 मिनट होता है। रिमेंबर दिस थिंग कि मैंने पहले 360 को 360 से डिवाइड किया तो ये 1 डिग्री हो गया, नेक्स्ट आप उसी छोटा पोर्शन को 60 से डिवाइड करो, तो 1 डिग्री को अगर 60 से डिवाइड कर लो तब जो रिजल्ट आएगा वो आपका 1 मिनट है, तो ये इससे भी और छोटा होगा, मान लो ये और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, तो ये हो गया आपका 1 मिनट। नाउ अगेन डिवाइड दिस 1 मिनट बाय 60, आप क्या करो ये जो 1 मिनट आया ना इस 1 मिनट को अगेन आप डिवाइड करो, कौन से वैल्यू से, 60 से डिवाइड करो, अब जो रिजल्ट आएगा ना ये 1 सेकंड होता है, ठीक है। इट मींस 1 डिग्री को ना 60 × 60 3600 से डिवाइड करोगे तब जो रिजल्ट आएगा तो ये 1 सेकंड होता है। जस्ट इमेजिन 1 डिग्री कितना छोटा था, उसको मैंने 60 से डिवाइड किया तो और छोटा होगा, अब 1 मिनट को अगेन मैंने 60 से डिवाइड किया तो रिजल्ट विल बी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, तो ये 1 सेकंड है, ठीक है, समझ में आ गया आपको, 1 सेकंड मैंने बता दिया। अब 1 पर सेक ये होता है कि एक एंगल है जिसका एंगल कितना होगा 1 सेकंड, और ये जो आर्क है ना आर्क, एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, एंगल मींस आर्क बाय रेडियस, एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 1 सेकंड होगा 1 सेकंड, और आर्क जो है ना वो 1 AU है, आर्क जो है वो 1 AU है, और रेडियस कौन सा होगा, ये वाला रेडियस, लेट दिस रेडियस इज डी, तो मैंने यहां पे डी लिख दिया, अब ये डी क्या होगा 1 AU डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, ये जो वैल्यू है ना दिस इज योर 1 पर सेक। इट मींस पर्सेक क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस होता है एट व्हिच एवरेज रेडियस ऑफ आर्क्स ऑर्बिट, एवरेज रेडियस ऑफ आर्क्स ऑर्बिट कितना एंगल बना रहा है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड। आप जस्ट ये वाला लाइन याद रखो कि 1 पर्सेक ये होता है
जब एंगल 1 सेकेंड होगा और आपका आर्क क्या हो जाएगा, आपका आर्क 1 AU होगा, हो गया। तो ये 1 परसेक का वैल्यू होता है। तो खत्म हो गया पूरा, जितने भी ये सब जितने भी वैल्यू मैंने बताया ना, जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यूज, आगे जाकर ना जब आप फ्यूचर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करोगे तब उन न्यूमेरिकल्स में ये सब वैल्यू आप रेडीमेड फिल्म्स को यूज करोगे, ठीक है। ऑल द गुड। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द वैल्यूज नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज एरर। तो अब देखो नेक्स्ट एरर, एरर क्या होते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी विल नाउ अंडरस्टैंड टू टर्म्स। आपको दो टर्म्स देखना है और वो दो टर्म्स अगर आपको समझ में आ गया ना तो देन एरर जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो कौन से दो टर्म है, एक हो गया आपका एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड द सेकेंड वन इज योर प्रिसिशन। एक हो गया आपका एक्यूरेसी एंड द सेकेंड वन इज योर प्रिसिशन। एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या होता है, अच्छी तरह से दोनों टर्म्स को देखो। एक्यूरेसी मीन्स क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, एक्यूरेसी मीन्स क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, और प्रिसिशन मीन्स क्या होता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, टू व्हाट लिमिट, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन टू व्हाट लिमिट, आप वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बताओ और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। थोड़ा टफ टफ वर्ड मैंने बताया ना, अभी मैं एग्जांपल दूंगा और बाय यूजिंग दैट एग्जांपल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। दोबारा, एक्यूरेसी मींस क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू और प्रिसिशन मींस टू व्हाट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, अब कौन सा लिमिट रिजोल्यूशन ले रहे हो। तो इसका एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मैंने दो वैल्यू लिख रहा हूं, सपोज एन एक्सपेरिमेंटर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उसको दो वैल्यू मिला, ठीक है ना। मान लो जैसे कि मेरे पास एक पेन है, ये मार्कर हो गया, इफ आई से दैट द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पेन इज 4 सेंटीमीटर, अगर मैंने बताया ये जो पेन है ना मेरे पास मार्कर, इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है एंड दैट इज विल बी योर ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे पता है ये 4 सेंटीमीटर है। अब मैंने दो स्टूडेंट्स को बताया, एक स्टूडेंट्स को बताया भाई आप निकालो उसका लेंथ, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द लेंथ ऑफ दैट पेन, उन दो स्टूडेंट्स ने क्या किया, दो वैल्यू मुझे बताया, एक वैल्यू बताया कि सर ये 3.8 सेंटीमीटर है, एक का निकल के आया कि उसका लेंथ 3.8 सेंटीमीटर है और दूसरा जो है ना उसका वैल्यू कुछ ऐसे आ गया, ठीक है 3.675। अब दोनों वैल्यू में डिफरेंस देखो, दोनों वैल्यू में डिफरेंस ये होता है, ये जो 3.8 सेंटीमीटर है ना दिस इज योर एक्यूरेसी, एक्यूरेट वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेट होगा एंड दिस वैल्यू इज योर प्रिसाइज वैल्यू, ये प्रिसिशन होता है, ये प्रिसाइज वैल्यू होते हैं। आगे जाकर मैं बताऊंगा क्यों मैंने ऐसे बताया, 3.8 सेंटीमीटर इज योर एक्यूरेट वैल्यू एंड 3.675 इज योर प्रिसाइज वैल्यू। अब ये कैसे हो गया, देखो मैंने डेफिनेशन में बताया एक्यूरेसी वो होता है जो क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कौन सा था 4 सेंटीमीटर, अब उसका जो भी रिजल्ट है वो 3.8 सेंटीमीटर है, मतलब वो लगभग एकदम नजदीक है, तो ये आपका क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू तो एग्जैक्ट नहीं है बट क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, तो ये हो गया आपका एक्यूरेट। बट यहाँ पे देखो ये क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू नहीं है बट जिसने भी ये वाला वैल्यू दिया ना उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन देखो, इसने तो एक ही आफ्टर डेसिमल एक टर्म एक डिजिट लिया बट यहाँ पे देखो 1, 2, 3 मतलब उसका जो रिजोल्यूशन है जिसने भी वो कैलकुलेशन किया ना वो छोटा छोटा कैलकुलेशन और आपको बता रहा है, समझ में आएगी। तो ये होता है 3.675, इट मीन्स प्रिसिशन मीन्स क्लोजर टू द वैल्यू नहीं हो सकता है, वो नहीं होगा, बट प्रिसिशन मींस जो भी वैल्यू आपको देगा ना वो छोटे से छोटा वैल्यू आपको बताएगा, जैसे कि डेसिमल के बाद और 3 वैल्यू आपको बता रहा है। तो ये हो गया आपका प्रिसाइज एंड दिस वन इज योर एक्यूरेट। नाउ आई विल गिव अनदर एग्जांपल, मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊंगा और बाय यूजिंग दैट एग्जांपल आप इजीली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। दोबारा आपके दिमाग में रखो कि एक्यूरेसी वो होता है जो क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू हो और प्रिसिशन वो होता है कि क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू नहीं हो सकता है, वो ठीक है बट उसका जो वैल्यू है ना वो लिमिटेड रिजोल्यूशन ज्यादा होगा, छोटे से छोटा वैल्यू आपको बताएगा। तो देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा और बाय यूजिंग दैट एग्जांपल आप जस्ट बताओ कौन सा एक्यूरेट होगा कौन सा प्रिसाइज होगा। जैसे कि मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, 3 सर्कल मैंने बनाया आपके स्क्रीन के सामने ना, मैंने 3 सर्कल बनाया और तीनों सर्कल में एकदम सेंटर पोर्शन पे मैं टी लिख रहा हूँ, टी 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 मीन्स योर टारगेट, टी मीन्स योर
टारगेट। आपको क्या करना है, आप एक सपोज यू हैव ए गन, आपके पास एक बंदूक है और आपको क्या करना है, बुलेट फायर करना है। आप यहां से बुलेट फायर करो, ये आपका टारगेट है, ये सेंटर दिखाई दे रहा है ना, ये आपका टारगेट है, आपको बुलेट फायर करना है। तो आपने क्या किया, तीन बार आपने बुलेट फायर किया। इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कुछ ऐसा फायर किया, ऐसे फायर किया, ठीक है ना। इन योर सेकेंड अटेम्प्ट ऐसे फायर किया। इन योर थर्ड अटेम्प्ट आपने ऐसे फायर किया। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री डायग्राम। आपको क्या दिखाई दे रहा है, तीनों डायग्राम में कौन सा डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है। आप क्या करो, जस्ट मैं और एक चीज कर रहा हूँ, ये जो टारगेट है ना, इसको थोड़ा और बड़ा सा सर्कल बना देता हूँ, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कौन सा टारगेट है। ये बड़ा बड़ा सर्कल जो है ना, वो आपका टारगेट है, बड़ा बड़ा सर्कल टारगेट, और बाकी जो छोटे छोटे डॉट है ना, वो आपका बुलेट फायर करके उसके बाद मैंने ये डायग्राम बनाया। इसमें छोटा जो सर्कल है ना, वो आपको बुलेट फायर कहाँ पे कर रहा है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे, आप तीन पूरा वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगाओ कि कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा प्रिसाइज है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो आंसर क्या होगा, दिस वन इज योर एक्यूरेट, ये एक्यूरेट होता है, दिस वन इज योर प्रिसाइज, ये आपका प्रिसाइज वैल्यू होगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये दोनों होगा, एक्यूरेट प्रिसाइज और ये बोथ। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये ऐसे कैसे हो गया, देखो कैसे हो गया, ये वाला डायग्राम अच्छी तरह से देखो, जिसने भी आपने फायर किया ना, तो आपका जो टारगेट है ना, ये था टारगेट, आपने दो बार क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू आपने लगाया, दो बार क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू लगाया, पर तीन बार आप मिस कर रहे हो, इट मींस आप ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक हो, ठीक है ना। तो क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू अगर है तो ये एक्यूरेट होता है, बट दो बार ही किया आपने तो एक्यूरेट है। बट यहां पे क्या होता है ना, आपने एक बार टारगेट लगाया, बट इस पोर्शन को अच्छी तरह से देखो, जिसने भी आपने जो फायर किया ना, वहां आपके क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू नहीं है, बट जहां पे भी लग रहा है ना, आपको अच्छी तरह से आप दिखाई दे रहे हो, ये छोटा छोटा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए तो बार बार यहां पे लग रहा है टारगेट। समझ में आ रहा है कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि 3.8 अगर है तो ये एक्यूरेट होगा, मींस क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू होगा, बट अगर 3.675 है, देखो ये क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू नहीं है, इसलिए तो आपने एक बार मतलब आपका अटेम्प्ट हुआ, बट एक बार आपने टारगेट लगाया, बट जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू देखो, छोटा छोटा वैल्यू आपको बता रहा है, ये यहाँ पे भी हो रहा है, उसको अच्छी तरह से टारगेट दिखाई नहीं दे रहा, वो बात सही है, बट जो भी पोर्शन उसको दिखाई दे रहा है ना, वो अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, इसलिए तो बार बार उसको टारगेट लगा रहा है। तो ये हो गया आपका प्रिसाइज, और ये दोनों है, वो प्रिसाइज भी है, इसलिए तो बार बार छोटा छोटा वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए तो चार बार आपने अटेम्प्ट कर दिया, 1, 2, 3, 4, और एक्यूरेट भी है, क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। बात कुछ समझ में आ रहा है, नहीं एक्यूरेट और प्रिसाइज, एक्यूरेट मींस क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, और प्रिसाइज मींस टू व्हाट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर एरर। तो देखो एरर क्या होता है, एरर मींस योर अनसर्टेनिटी इन योर मेजर्ड वैल्यू, अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड, इन योर मेजर्ड वैल्यू। सपोज मान लो आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और आपको कुछ वैल्यू मिला, जो वैल्यू आपको मिला ना, मेजर्ड वैल्यू जो मिला, उस पर अगर अनसर्टेनिटी है, आप श्योर नहीं है, उस वैल्यू में अगर कुछ कंफ्यूजन है, तो ये एरर होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया, मान लो ये सपोज द लेंथ ऑफ दिस पेन इज 4 सेंटीमीटर, अगर ये 4 सेंटीमीटर है और आप में से किसी ने उसको लेंथ को दोबारा मेजर किया और आपका वैल्यू ऐसे कुछ आ गया कि 3.8 सेंटीमीटर, अब देखो 4 सेंटीमीटर एक्चुअल था, ट्रू वैल्यू था, और आपका रिजल्ट कौन सा है, 3.8 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.2 इज योर एरर। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दैट एरर मीन्स अनसर्टेनिटी इन योर मेजर्ड वैल्यू। तो ये हो गया एरर। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरर, एरर तो मैंने बता दिया, नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार आ रहे कि राइट द टाइप्स ऑफ एरर या व्हाट इज एरर, आपको एरर का न्यूमेरिकल्स भी बता देंगे, तो मैं बता दूंगा आपको एरर का न्यूमेरिकल्स क्या होता है। तो देखो टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर जनरली देखो बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टाइप्स दिया होगा, आप यू जस्ट फॉलो द एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देर आर टू टाइप्स ऑफ, जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। तो ये टू टाइप्स के एरर होते हैं, फर्स्ट वन इज योर
systematic error, and the second one is your random error. एक हो गया आपका systematic and the second one is your random error. तो देखो सिस्टम एक एक करके मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज सिस्टमैटिक व्हाट इज रैंडम एरर. तो देखो सिस्टमैटिक एरर मींस सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये मैंने लिखा ना सिस्टमैटिक एरर. अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, ये ए होता है सिस्टमैटिक. ठीक है सिस्टमैटिक, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आप अच्छी तरह से देख लेना उसको. तो देखो सिस्टमैटिक एरर मींस आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और जितने भी मेजर्ड वैल्यू आ रहा है ना वहां पे एरर जो है ना, एरर क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होगा. ठीक है ना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक एरर मींस जहाँ पे आपका एरर का जो वैल्यू होता है ना, एरर जितने भी एरर आपको निकल के आया ना वो वाला एरर पे क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आपने जैसे कि ये वाला पेन का एग्जाम्पल लिया, आई नो द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट पेन इज 4 सेंटीमीटर. सपोज आपका ट्रू वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर, मान लो इसका ट्रू वैल्यू जो है ना एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू 4 सेंटीमीटर है. आपने क्या किया, 5 बार उसका रीडिंग लिया. सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया कि उसका लेंथ निकालना है और उसका जो 5 एक्सपेरिमेंट में उसको जितने वैल्यू मिले ना वो ऐसे मिला, मान लो 3.8 सेंटीमीटर, एक अटेम्प्ट में उसको 4.0 सेंटीमीटर मिला, इन इस थर्ड एक्सपेरिमेंट उसको 4.2 सेंटीमीटर मिला, देन मान लो ये अगेन उसको 4.0 मिला, और एक वैल्यू ले लो जैसे कि 3.6 सेंटीमीटर मिला. नाउ सी ऑल द मेजर्ड वैल्यू, आप अगर सभी मेजर्ड वैल्यू देखोगे ना तो देखो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू कौन सा था 4 सेंटीमीटर और आपका रिजल्ट आया फर्स्ट अटेम्प्ट में 3.8 सेंटीमीटर, मीन्स 0.2 सेंटीमीटर इज योर एरर. ठीक है, सेकेंड वन इज 4.0, तो यहाँ पे एरर नहीं है, तो 0.00 सेंटीमीटर. यहाँ पे क्या होगा, 4 सेंटीमीटर था और उसका रिजल्ट है 4.2, मींस 0.2 सेंटीमीटर एरर है. ये वाला यहाँ पे 0.0, ये वाला यहाँ पे 0.4 सेंटीमीटर. अब सभी वैल्यूज को दोबारा देखो, यहाँ पे एरर कितना है 0.2, यहाँ पे नहीं है एरर 0.0, यहाँ पे -0.2 सेंटीमीटर. वही मैं बता रहा हूँ कि ये सिस्टमेटिक एरर होता है. सिस्टमेटिक एरर में क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना एरर हो रहा है, +0.2, यहाँ पे -0.2, तो सिस्टमेटिक तरीके से इंक्रीज हो रहा है, आइदर +0.2 या -0.2, ऐसे कुछ आ रहा है सिस्टमेटिक तरीके से. आपका अगर एरर निकल के आया ना, दिस एरर इज नॉन योर सिस्टमेटिक. ऐसा नहीं होगा कि एक एरर आपको मिल गया 0.2 और सडनली जाम हो, जैसे कि मान लो ये सभी वैल्यूज है ना और सडनली उसका हो गया 7.6 सेंटीमीटर, ऐसा वैल्यू नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, अगर आप इसको माइनस कर रहे हो ना कि 4 सेंटीमीटर से आप 7.6 को माइनस कर रहे हो, 4.0 माइनस 7.6, तो रिजल्ट क्या होगा, 4 माइनस 7.6 दैट इज -3.6. ठीक है, तो सडनली देखो अभी तक कितना था, +0.2 या -0.2 पे इंक्रीज हो रहा है और सडनली ये जंप हो गया -3.6. ऐसा नहीं होगा सिस्टमैटिक एरर में. ठीक है ना, तो सिस्टमैटिक एरर मींस जो भी एरर वैल्यू आपको मिल रहा है ना वो सिस्टमेटिक तरीके से इंक्रीज हो रहा है, आइदर पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में. तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक एरर. ठीक है, अब सिस्टमेटिक एरर जो है ना इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो एक एक करके देख लो सिस्टमेटिक एरर्स के टाइप्स कितने होते हैं. तो सिस्टमेटिक एरर आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर. द सेकेंड वन इज योर, अच्छा एक एक करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट वन इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड वन इज योर इम्परफेक्शन इन टेक्निक, थर्ड वन इज योर पर्सनल एरर. ये सभी ब्रांचेस होते हैं सिस्टमेटिक एरर के. तो देख लो एक एक करके, फर्स्ट वन इज योर सिस्टमेटिक एरर. फर्स्ट टाइप क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं ना आप, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ एरर है, देन योर एरर इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर. इट व्हाट डज इट मीन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं ना आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ एरर हो गया तो दैट दिस एरर इज नोन एज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर. जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जैसे कि एक स्केल है मेरे पास, एंड बाय यूजिंग दैट स्केल इफ आई वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ दैट पेन
तो कैसे होगा, मान लो आपके पास एक स्केल है और स्केल 0 टू 20 सेंटीमीटर का स्केल है, 0 टू 20 सेंटीमीटर, जनरली तो वही स्केल हम लोग यूज करते हैं ना, 20 सेंटीमीटर का स्केल। तो मान लो आपके पास एक स्केल है और इससे आप ये वाला पैन जो है ना इसको मेजर करो और आपका वैल्यू आया मान लो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ जो है ना 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप 0 टू 20 सेंटीमीटर एक स्केल लिया और आपका रिजल्ट ये आ रहा है। सपोज मैंने दूसरा कोई स्केल दे दिया और एक स्केल दिया मैंने, यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाला 0 मान लो ये 0 से स्टार्ट ना होगा ना, 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। डिफरेंस आपको देखना है कि यहां पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे 4 से 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है। अब इस स्केल से अगर आप इसको मेजर कर रहे हो ना, देन योर रिजल्ट वुड बी, क्या होगा आपके रिजल्ट में कुछ एरर आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तब आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा है, बट यहां से अगर मेजर किया और मान लो इसका रिजल्ट 4 सेंटीमीटर आया, इस स्केल से इसको मेजर कर लो और आपका रिजल्ट 4 सेंटीमीटर आया, तो आपका एक्चुअल रिजल्ट 3 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप 0 से जब स्टार्ट कर रहे हो ना, एक्चुअली स्केल 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो रिजल्ट 4 सेंटीमीटर आता है, बट इस स्केल में कुछ एरर है। कौन सा एरर है, ये 0 से स्टार्ट ना होकर ना 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो रिजल्ट जो आएगा ना वहां से ऑटोमेटिकली आपको 1 माइनस करना होगा। इट मींस योर इंस्ट्रूमेंट हैज एन एरर। तो अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट में एरर है, दिस एरर इज नोन एज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। द सेकंड वन इज योर इंपरफेक्शन टेक्निक। जो टेक्निक फॉलो करके ना आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस टेक्निक में अगर कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निक में अगर कुछ एरर है, देन योर टेक्निक एरर इज नोन एज इंपरफेक्शन टेक्निक, ठीक है ना। इट मींस जो टेक्निक फॉलो करके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस टेक्निक में अगर कुछ प्रॉब्लम है, उस टेक्निक में अगर कुछ एक्चुअल आप फॉलो नहीं कर रहे हो, दिस टेक्निक विल बी योर नोन एज इम्परफेक्शन टेक्निक। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि इफ यू वांट टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, अगर मैं अपने बॉडी का ना टेम्परेचर निकालना है तो क्या करते हो, आप एक थर्मोमीटर लेते हो और आर्मपिट के अंदर रख देते हो। दिस इज द रॉन्ग टेक्निक, वहां पे क्या होता है वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगा। बट उसका एक्चुअल टेक्निक क्या होता है, आपको जो थर्मोमीटर है ना मुंह के अंदर डालना होता है, डॉक्टर लोग वही बोलते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल टेक्निक, अगर आप यहाँ पे रख लो मीन्स इम्परफेक्शन टेक्निक, वहां पे क्या होगा आपका एरर निकल के आएगा, ठीक है ना। एंड द थर्ड वन इज योर पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मींस जो एक्सपेरिमेंटर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस एक्सपेरिमेंटर पे अगर कुछ एरर है तो आपके आपका जो एरर होगा ना वो पर्सनल एरर होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसके आई साइड में कुछ प्रॉब्लम होता है या केयरलेसनेस होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे आपके दोस्त वगैरह आपको देखने में मिलेगा कि आपको रिजल्ट, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और आपका वैल्यू कुछ ऐसे आ रहा है 4.323 ऐसे आया, जब वो अपने कॉपी में लिखेगा ना तो ऐसे लिखेगा 4.3 और बाकी जो वैल्यू है ना वो केयरलेसनेस की वजह से छोड़ेंगे, ऐसे नहीं लिखेगा। तो वहां पे क्या होता है ना, इसका डिफरेंस आ जाता है, दिस इज योर पर्सनल एरर। या ऐसे भी होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे कि ये वैल्यू आ रहा है ना उसको दिखाई दे रहा है कि ये 4.323 है, जब कॉपी में लिखेगा तो कुछ ऐसे लिखेगा, वैल्यू में 3 लिखना था तो 2 लिख देगा, अब उसके पूरा जो कैलकुलेशन है ना वहां पे एरर दिखाई देगा। तो ये होता है पर्सनल एरर। तो ये रिमूव कर सकते हो अगर आप अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ना, तो ये रिमूव हो सकता है। तो तीनों हो गए, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन टेक्निक एंड द थर्ड वन इज योर पर्सनल एरर। नाउ रैंडम एरर। रैंडम एरर कुछ नहीं, रैंडम एरर मींस जो एरर वैल्यू है ना वो सडनली जंप होता है। सडनली जंप होने का मतलब ये, जैसे कि मान लो आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वहां पे आपको 5 वैल्यू आपको मिला, जैसे कि मान लो 4.2 सेंटीमीटर, आपका ट्रू वैल्यू कितना था, 2 वैल्यू। वही एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास एक लेंथ है और उसको आपको मेजर करना है, उसका ट्रू वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर है और आपने 5 पर आपने वो रीडिंग लिया और आपका रीडिंग कुछ ऐसे है 4.0 और ये वैल्यू है 4.4, 3.8 और सडनली क्या हो गया ना 7.8 सेंटीमीटर ऐसे आ गया। आपने 5 रीडिंग लिया और 5 रीडिंग अच्छी तरह से देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट वन इज योर 4.2 सेंटीमीटर, सेकंड वन 4.0, तो यहाँ पे एरर कितना है 0.2, तो यहाँ पे 0.2, 4 से 4.2 माइनस करो तो कितना आएगा 0 माइनस 0.2, यहाँ पे क्या होगा नो एरर 0.0, यहाँ पे 0 माइनस 0.4, यहाँ पे प्लस 0.2 और यहाँ पे एरर 7.8 से ना 4 को माइनस करो तो रिजल्ट क्या होगा 4.08। अब ये रीडिंग पूरा देख लो, यहाँ पे एरर कितना है माइनस 0.2, तो यहाँ पे नहीं था तो 0.4। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से ये
मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बट ये वाला वैल्यू अगर देखोगे ना तो सडनली जंप हो गया। दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज योर रैंडम एरर। एक एग्जांपल बताऊंगा, जैसे कि मान लो आप कोई थर्मोडायनेमिक का कोई हीट का कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, या कोई इलेक्ट्रिसिटी का आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, जैसे कि वोल्टेज और करंट का कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो, और सडनली आपका वोल्टेज राइज हो गया, सडनली वोल्टेज इंक्रीज हो गया, तो वोल्टेज अगर सडनली इंक्रीज हो रहा है तो ऐसा कुछ वैल्यू आपको मिलेगा। तो दिस इज योर रैंडम एरर। रैंडम एरर मीन्स सिस्टमेटिक एरर की तरह नहीं होगा कि सिस्टमेटिक तरीके से इंक्रीज हो रहा है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, सडनली आपका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज नोन एज योर रैंडम एरर। एंड द लास्ट टॉपिक इज योर, ये आज के टॉपिक, आज के दिन का ना लास्ट टॉपिक होगा। और तीन एरर है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। नाउ आई विल डिस्कस दिस एरर। देखो क्या क्या लिखा है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, और द लास्ट वन इज योर परसेंटेज एरर। ये सब हमें डिस्क्राइब करना है। और ये जो एरर मैंने बताया इसको यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आगे जाके आप करोगे जो एग्जाम में आएगा। तो देखो क्या लिखा है, मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हो, और आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और आपको 5 रीडिंग्स मिला, वो मैंने लिखा कि A1, A2, A3, A4, A5। ये क्या होगा, ये आपका 5 एक्सपेरिमेंट आपने किया, और उस 5 एक्सपेरिमेंट का जो मेजर्ड वैल्यू है ना वो मैंने लिखा कि लेट देयर आर 5 मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये सब वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो फर्स्ट आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब ये होता है, एब्सोल्यूट एरर को ऐसे लिखते हैं डेल्टा ए। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। कैसे निकालोगे, फर्स्ट आपको क्या करना है, इन सब का मीन आप निकालो। तो इन सब का मीन क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, जितने भी वैल्यूज, अगर यहाँ पे 10 एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा तो 10 को आपको सम अप करना है। तो मैंने यहाँ पे 5 एक्सपेरिमेंट का वैल्यू लिया है, तो 5 को आपको सम करना है। और मीन कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर है, जैसे कि 5 नंबर है तो आपको 5 से डिवाइड करना है, ऐसे तो निकालते हैं ना मीन। तो मैंने ये निकाला मीन, तो ये आपका हो गया मीन। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मीन्स इसको लिखते हैं ऐसे, डेल्टा A1 फर्स्ट वर्ड का एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, इंडिविजुअल वैल्यू माइनस जो मीन निकल के आया। ठीक है ना, तो सेकेंड वर्ड कैसे होगा, डेल्टा A2 इंडिविजुअल मीन्स योर सेकेंड मेजर वैल्यू, A2 माइनस ये ए मीन। थर्ड का कैसे होगा, अब आपको समझ में आ रहा है कि वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, A3 कैसे आएगा, डेल A3 इज इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यू मीन्स A3 माइनस ए मीन, ऐसा बाकी दोनों को निकालना है। A4 इज इक्वल टू A4 माइनस ए मीन, और द लास्ट वन इज योर डेल्टा A5 इज इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यू मीन्स A5 माइनस ए मीन। ऐसे निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। अगर एग्जाम में आया कि एब्सोल्यूट एरर निकालो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 मीन्स इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन पहले निकाल दो, और ये आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, नेक्स्ट वन इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू निकल के आया ना इन सबको आपको प्लस करना है। तो देखो रिजल्ट क्या होगा, डेल्टा A मीन ये इन सबको, और इसको लिखोगे कैसे, डेल्टा A मीन मीन्स एब्सोल्यूट एरर का आप मीन निकाल रहे हो, तो रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा, सबको आपको प्लस करना है। और यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि डेल्टा इन जितने भी वैल्यूज है ना, ये माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। मैं आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, और वहां पे न्यूमेरिकल्स में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको एक चीज देखना ये है कि ये आप माइनस करोगे ना, तो माइनस का जो वैल्यू है ना प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। बट इफ यू वांट टू फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पे सभी आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मॉड लिखा। तो ये डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस ये कुछ ऐसे होगा डेल्टा A4 प्लस, इसको छोटा करके लिख देते कि वैल्यू क्या होगा, मीन ऐसे निकालते सबको, आपको ये जितने भी वैल्यूज है ना इसका मॉड निकालो, डेल्टा A1 मैंने बताया सभी पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। सो डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 हो गया ना, ये टोटल उसका n से डिवाइड करो, जितने भी वैल्यूज है ना, जितने भी वैल्यूज है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, सो ये 5 से आप डिवाइड करोगे। ऐसे होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मींस जो एब्सोल्यूट एरर निकल के आया ना उसका मीन निकालो। तो मीन कैसे निकालते, सबका वैल्यू आप मीन निकालो,
जैसे कि ये ऐसे, बट यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान में रखना है कि सभी पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है, इसलिए मैंने मॉड लिखा। तो सबका मॉड वैल्यू लो और जितने भी नंबर है, जितने जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करो। तो ये हो गया आपका मेन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड वन इज योर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, जो भी निकल के आया ना ये वाला डेल्टा ए मीन, इसको आप ए मीन से डिवाइड करो तो ये आपका रिलेटिव एरर होता है, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज योर परसेंटेज एरर। जो निकल के आया ना रिलेटिव एरर, इसको बस 100% से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इनटू 100%। ये पूरा फॉर्मूला होगा, दोबारा देख लो विद इन 1 सेकंड, आप बस इसको अच्छी तरह से देख लो क्या होता है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, ये 5 वैल्यू है, a1 a2 3 5 वैल्यू है, मैंने मेजर किया, आपको फर्स्ट क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, सबको सम अप करो और जितने नंबर मेजर वैल्यू है ना उसको डिवाइड करो, जैसे कि यहां पे 5 नंबर्स है तो 5 से डिवाइड किया तो ये निकल के आया a मीन। अब फॉर्मूला लगाओ, एब्सोल्यूट एरर मींस ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट वन की एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a1, उसका फॉर्मूला ये होता है कि इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। सेकंड कैसे निकालोगे, डेल्टा a2 means individual value means second value a2 minus a mean, ऐसे करके पूरा निकालोगे। mean absolute error क्या होता है, जितने भी values है ना उसका mean निकालो। उसका mean कैसे निकालो, delta a mean, delta a mean is equal to जितने भी values है, जैसे कि delta a1 delta a2 delta a3, इन सबका positive value लेना है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे जब आप निकालोगे ना तो plus भी आ सकता है minus भी आ सकता है, आपको कौन सा value लेना है, positive value लेना है, इसलिए मैंने mod लिखा। तो सबका mod ले लो, उसका प्लस करो और मीन निकालना है तो जितने भी नंबर है उसको डिवाइड कर दो, जैसे कि 5 नंबर से सो 5 से डिवाइड कर दिया। थर्ड वन इज योर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, बस आपको ये करना है, ये जो निकल के आया ना डेल्टा ए मीन, इसको ए मीन से डिवाइड करो। एंड द लास्ट वन इज योर परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मींस ये वैल्यू जो रिलेटिव एरर है इसको आप 100% से मल्टीप्लाई करो। तो ये पूरा हो गया आपका एरर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन सभी फॉर्मूलास को, स्पेशली दिस फॉर्मूलास, इन फॉर्मूलास को यूज करके ना हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए तो इतना काफी है। अभी आपको क्या करना है, ये जितने भी वीडियोस आ रहा है ना प्रेजेंशियल ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो आपको बहुत सारे बच्चे इसको, ये मतलब दूर दूर रहते हैं ना जिनके पास उतना अवेलेबल फैसिलिटी नहीं है, आपको वो पहुंचाना है। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और लाइक शेयर जितने भी अपने जितने भी दोस्त है ना सबके, मतलब वहाँ पे पहुँचाओ ये हमारा वीडियो, ठीक है। थैंक यू।